दो दिवसीय दौरे पर शनिवार को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री व गोरक्षपीठाधीश्वर महंत योगी आदित्यनाथ अपने गृह जनपद गोरखपुर पहुंचे, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सबसे पहले महायोगी गुरु गोरक्षनाथ जी महाराज का आशीर्वाद लिया। उसके बाद मुख्यमंत्री ने अपने गुरु ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ के समाधि स्थल पर पहुंचकर माल्यार्पण और पुष्प अर्पित करते हुए मत्था टेका। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शारदीय नवरात्रि पर गोरखनाथ मंदिर के शक्तिपीठ में कलश स्थापना के साथ मां भगवती की आराधना की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शनिवार को रात्रि विश्राम गोरखनाथ मंदिर में ही करेंगे। रविवार को पूजा अर्चना के बाद मुख्यमंत्री लखनऊ के लिए रवाना होंगे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए मंदिर के कार्यालय सचिव द्वारिका तिवारी ने कहा, आज महाराज जी अभी पधार रहे हैं, शाम को भीम सरोवर से जल आएगा, उनके द्वारा कलश स्थापना माँ दुर्गा जी के मंदिर में किया जाएगा। 21 पंडित के द्वारा सारे विधि विधान से पूजा पाठ संकल्प कार्यक्रम होगा, संध्या आरती होगी। ये कार्यक्रम प्रातः नित्य दशमी तक 4 बजे प्रातः शुरू होकर फिर सायंकाल 4 बजे शुरू होता है। पूजा पाठ दुर्गा सप्तशती का पाठ ये नित्य होता रहेगा। 23 तारीख को हवन का विधान है, अष्टमी में माँ निशा हवन का होता है, उसमें महाराज उपस्थित रहेंगे। 25 तारीख को कुंवारी कन्या का भोज होगा, तिलकोत्सव होगा, रथ में बैठकर महाराज जी मानसरोवर वहाँ भगवान शंकर जी का पूजा पाठ करेंगे, और वहीं बगल में जो है रामलीला मैदान में भगवान रामचंद्र जी का, सीता जी का, लक्ष्मण जी का, सारे हनुमान जी का पूजा पाठ करके उपस्थित जन समुदाय को आशीर्वाद प्रदान करेंगे। आज आ रहे हैं महाराज जी, क्या कार्यक्रम आज ही है? कलश स्थापना का कार्यक्रम रखा गया है, पहले से ही परंपरा अनुसार कलश स्थापना यहाँ ऊपर दुर्गा जी का मंदिर है उसमें किया जाएगा। 21 पंडित के द्वारा ये सारे वहाँ कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं।